हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो अगर पीक लेते समय जो आपका स्कोप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, आप उसे डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको TDM में बता दे रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका पीक का ऑप्शन इनेबल नहीं है या आता नहीं है तो मैंने इस जैसे अगर आपका पीक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसे आप पहले देख लें वहाँ पे जाके। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए मैंने ये ओपन करा और इसका स्कोप ओपन अपने आप ही ओपन हो जा रहा है। तो मैं इसे डिसेबल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में चल जाइए। देखिए यहाँ पर जैसे मैप के पास जो सेटिंग है उस पर आ जाइए। अब यहाँ आपको देखिए पीक एंड फायर के जस्ट नीचे लिख के आ रहा होगा पीक एंड ओपन स्कोप। ये देखिए ये लिख के आ रहा है आपका। तो आपको इसे डिसेबल कर देना है सिंपली। तो आपने डिसेबल कर दिया तो आप जैसे अब ये देखिए आप तिरछा भी हो जाएंगे। अब ये देखिए तिरछा हो जाएंगे। टीम मैच लेट्स गो। ये देखिए तिरछा होते ही मारेंगे तो आपका स्कोप ओपन नहीं होगा जब तक आप ओपन नहीं करते। ये देखिए अब मैंने ओपन करा तब ओपन होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।